हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे डाटे प्रपोजिशन। डाटे प्रपोजिशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सू। सिर्फ आज हम सू ही करेंगे। इसके मैं एग्जांपल्स बताऊंगी, जितने इसके कहाँ कहाँ यूज़ है और सू कहाँ यूज़ होता है, सू के क्या क्या मतलब होते हैं। तो यहाँ पर जर्मन में सबसे पहले एक बात समझने की बात है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि एक प्रपोजिशन का एक पर्टिकुलर मतलब होता है और उसी का वही यूज़ होता है। यहाँ पर एक प्रपोजिशन के कई मतलब होते हैं और अलग अलग जगह, डैट मीन्स सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसे हम कहाँ यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं सू, तो सू का बेसिकली क्या यूज़ है, तो सू स्टार्ट करते हैं। सू सू का मतलब टू भी होता है और सू का मतलब एट भी होता है, और सू के और भी मतलब होते हैं। तो सबसे पहले मैं टू वाला बताती हूँ। टू का यूज़ होता है फॉर स्मॉल प्लेसेस, फॉर स्मॉल प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ, इश गेह सुम कीनो। अच्छा, बिफोर टेलिंग दिस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये सू क्या है, सू का मतलब टू एंड एट, एंड इसके बाद हमेशा डार्टिव केस लगता है क्योंकि ये फिक्स्ड डार्टिव प्रपोजिशन है। फिक्स्ड डार्टिव प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड डार्टिव प्रपोजिशन का ये मतलब होता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर मेकिंग सेंटेंस, हमारा ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्रपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। अगर हमारा प्रपोजिशन, अगर हमारी प्रपोजिशन फिक्स डार्टिव है, यानी कि अगर फिक्स डार्टिव लगा हुआ है तो हमारा ऑब्जेक्ट भी डार्टिव लगेगा। सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता ही है, वर्ब चाहे हमारी कैसी भी हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यूज़ किया इश फार सू, अगर मैंने सू लगाया तो आगे डार्टिव लगेगा कि सू फिक्स डार्टिव है। तो हमारा क्या होता है, जैसे सपोज मैं बोल रही हूँ मैं कीनो जा रही हूँ, तो कीनो का आर्टिकल क्या होता है, दास। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सू देम में, और सू देम का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, सू। तो हम बोलेंगे इश फारा या इश के ह सुम कीनो। सुम कीनो का मतलब हो गया टू द कीनो, टू द कीनो। तो जो सू है उसका यूज होता है, यानी कि सू का जो यूज है पहला टू वाला, वो यूज़ होता है फॉर स्मॉल प्लेसेस, यानी कि कोई भी चीज़ जो विद इन द सिटी है, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, तो इसके लिए हम सू यूज़ करेंगे। तो इश के ह सुअर शूलर, जैसे सू प्लस देयर शूलर, क्योंकि शूलर का आर्टिकल दी होता है, दी देयर में कन्वर्ट हो गया, तो सू प्लस देयर क्या हो गया, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो सुअर हो जाता है, तो सुअर शूलर भी बोल सकते हैं, इश के ह सुअर शूलर, राइट। अच्छा, अब आप पहले तो ये टेबल भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि डाटे में कौन सी चीज़ किस में चेंज होती है। फॉर एग्जांपल देयर है, देयर देम में चेंज होता है, दास देम में चेंज होता है, दी देयर में चेंज होता है, एंड दी प्लूरल देन में चेंज होता है, और लास्ट में एन आता है, ये प्लूरल है। तो अगर मैं टेबल लिखूँ, दैट इज ये है मैस्कुलिन, फेमिनिन, नेत्रम, एंड दिस इज प्लूरल, ये नॉमिनेटिव एंड डार्टिव। तो क्या हुआ, देयर देम में चेंज हुआ, दास देम में चेंज हुआ, दी देयर में, एंड दी देन में, और यहाँ पर एन आता है। तो अभी तो हम इनकी बात करेंगे, इन तीनों की, यानी कि कोई भी चीज़ जो दास वाली है वो देम में चेंज हो जाएगी, देयर वाली देम में। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं शूलर की बात कर रही थी, तो शूलर का आर्टिकल दी होता है, तो दी किस में कन्वर्ट हो जाता है डार्टिव में, देयर में, और सू के साथ सू प्लस देयर का शॉर्ट फॉर्म सुअर हो जाता है। तो मैं बोलूँगी इश गेह सुअर शूलर, तो इसका मतलब है आई एम गोइंग टू द स्कूल। अब बच्चे कंफ्यूज इस चीज़ में हो जाते हैं कि अरे हमने तो ये सीखा है इश गेह इन स्कीनो होता है, इश गेह, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इश गेह इन दास कीनो और इश गेह सुम कीनो में डिफरेंस ये है, सु देम कीनो कह लो, इनका इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है इंस और इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है सुम कीनो। तो बेसिकली इस सेंटेंस में हम बोल रहे हैं आई एम गोइंग इन द कीनो, मतलब इन द थिएटर, दैट मीन्स ये थिएटर है तो आप उसके अंदर जा रहे हो। यहां मैं बोल रही हूँ आई एम गोइंग टू द थिएटर या टू द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल, राइट, थिएटर हॉल, इन शॉर्ट सिनेमा हॉल बोल सकते हो। तो ये टू की बात हो रही है कि मैं वहां जा रहा हूँ, यहाँ इनसाइड हो गया कि मैं अंदर जा रहा हूँ,
यानी कि अगर सपोज मैंने पूछा आप मूवी देखने कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे इन स्कीनो, क्योंकि मूवी तो अंदर देखोगे ना। अब जनरली बोल रहे हो कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू द कीनो, टू द सिनेमा हॉल, राइट, टू द सिनेमा हॉल, राइट। तो ये आप बोल सकते हो इसके है सुदेन कीनो, यानी कि सू का पहला यूज क्या है कि सू स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज होता है, सू जो होता है फॉर स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज होता है। तो इसके मैंने एग्जाम्पल दे दिए, मैं और भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इश्क है सुम कीनो, ये कीनो हो गया, ये ऑलरेडी दे दिया। इश्क है सुम, इश्क है सुम होटल या इंस होटल भी होता है। इश्क है स्वरशूल, इश्क है स्वर बांग, क्योंकि बांग दी होता है, दी देर में कन्वर्ट हो गया, राइट। फॉर स्मॉल प्लेसेस वी कैन यूज सो, ओके। एंड नाउ सू का दूसरा यूज, सू का दूसरा यूज मैंने बताया है, सू का दूसरा यूज होता है, सू को एट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर पर हूँ तो मैं बोलूँगी इश ब्लाइव सू हाउजर, या इसको ये समझ लो ये एक्सेप्शन है, आई स्टे एट होम, ये सू की तरह यूज होता है, यहाँ पर यूज होता है। लाइक इंग्लिश में हम बोलते हैं एट होम, तो यहाँ पर सू ये फिक्स्ड है, मतलब इसको रट लो या तो। दूसरा है जैसे हम यूज करते हैं इश गेह सूफूस, अगर मैं पैदल जा रही हूँ तो हम हमेशा सूफूस बोलेंगे, इसको फिक्स्ड है ये, इसको रट लो। इश गेह सूफूस यानी कि मैं पैदल जा रही हूँ, ऑन फुट जा रही हूँ, राइट। तीसरा जो यूज होता है वो सू यूज होता है, सू रेफर करता है जब हम किसी मील के बारे में बात कर रहे हैं, इट रेफर्स टू मील। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सुबह का खाना खाते हैं, दिन का खाना खाते हैं, तो मैं बोलूंगी सुम फ्रियोस्टो, सुम फ्रियोस्टो, सुम फ्रियोस्टो का मतलब हो गया फॉर ब्रेकफास्ट। बेसिकली अभी ये फोर वाली सेंस दे रहा है, तो सुम फ्रियोस्टो इट रेफर्स टू मील, मतलब जब हम मील से रिलेटेड बात कर रहे हैं। या सुम आबंडेसन, जब हम डिनर की बात कर रहे हैं तो मैं बोलूंगी सुम आबंडेसन, इश ऐसा चपाती सुम आबंडेसन, मतलब डिनर में मैं ये खाती हूँ, या सुम आबंड, इस तरह से मैं मेंशन करूंगी, राइट। और इसका यूज है जब हम किसी पर्सन के यहाँ जा रहे हैं, प्रॉपर नाउन, जैसे मैं बोलूँ इश के हर सू टीना, मतलब मैं टीना के यहाँ जा रही हूँ, जब मैं जा रही हूँ पर्सन के यहाँ तो मैं टीना यूज करूंगी, मतलब जब प्रॉपर नाउन यूज कर रही हूँ तो मैं सू यूज करूंगी, इश्क है सू टीना। एंड नेक्स्ट यूज है जब आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, स्मॉल प्लेस समझ लो या डॉक्टर के पास, तो सूम आस्ट, पर्सन के पास ही जा रहे हो, लेकिन आस्ट या आस्ट का आर्टिकल देर होता है, देर देन में कन्वर्ट हो गया, तो सू प्लस देन, तो सूम हो गया। तो ये इसके यूजेज है, और इसके कुछ यूजेज जैसे फिक्स्ड, जैसे हम लोग इडियम्स में यूज करते हैं ना फिक्स्ड, जैसे हम इनको बोलना फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या यूज करूंगी सुम बाइस्पील, ये सुम यूज होता है। या जैसे मुझे बोलना है फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये किया, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जो भी है, तो आप क्या बोलोगे सुम एस्टन माल। एस्टन क्यों आया, क्योंकि देम था और एडजेक्टिव एंडिंग ई एन आ गया, तो सुम एस्टन माल, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फॉर वाली सेंस देता है कई बार ये सुम बाइस्पील। या जैसे हम बोल रहे हैं सुम फ्लुश, सुम फ्लुश मतलब इन द एंड या एट द एंड, फाइनली मुझे ये करना है, सुम फ्लुश, मैं इसको ऐसे यूज कर सकती हूँ, तो एट द एंड मैं ऐसे बोल सकती हूँ, राइट। तो अगर एक तो ये यूज होता है मील के लिए, तो मैंने आपको क्या क्या यूज बताया, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। पहला यूज है फॉर स्मॉल प्लेसेस, जब हम विद इन द सिटी कहीं जा रहे हैं तो हम बोलेंगे इश्क है सुम कीनो, सुम होटल, सुअर शूलर, सुअर बांग। और सुअर क्यों आया, क्योंकि ये सारी दी वाली चीजें थी, दी देर में कन्वर्ट हो गई, और दास वाली चीजें देर में कन्वर्ट हो गई, तो ये इसलिए आया। एंड नीचे देन अगेन फिर हमारा सू यूज होता है एट की तरह, जैसे हम एक फिक्स्ड है, जैसे इश ब्लाइव सू हाउजर बोलते हैं, मतलब आई स्टे एट होम,
देन दूसरा क्या यूज है, इश्गेहा सूफूस, अगर हम पैदल जा रहे हैं तो हम बोलेंगे सूफूस, ये फिक्स्ड है। अच्छा, सू और किस चीज को रेफर करता है, या मील को रेफर करता है, जैसे हम मील के लिए, जैसे मैं बोलूँ मैं इन ब्रेकफास्ट, इंग्लिश में हम इन ब्रेकफास्ट या फॉर ब्रेकफास्ट में ये करती हूँ, ये खाऊंगी, तो मैं यहाँ क्या यूज करते हैं, सुम फ्यूस्टो, सुम आबरनेसन, राइट। अच्छा नेक्स्ट होता है, अगर हम किसी पर्सन के यहाँ जा रहे हैं, प्रॉपर नाउन यूज कर रही हूँ मैं, आई मीन प्रॉपर नाउन, तो अगर मैं पर्सन के यहाँ जा रही हूँ तो मैं बोलूँगी इश्गेहा सू टीना। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, हम सुम टीना या सुअर टीना क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि प्रॉपर नाउन का कभी आर्टिकल नहीं होता। क्या आपके नाम का कोई आर्टिकल है, मेरे नाम का कोई आर्टिकल है, नो आर्टिकल, तो हम जस्ट सू टीना बोलते हैं। हाँ आस है, सपोज आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो, डॉक्टर का तो आर्टिकल है ना, देर आस, तो देर देन में कन्वर्ट हो गया, तो सू मास्ट हो गया, इश्गेहा सू मास्ट। और जैसे कुछ होते हम इडियम्स होते हैं इंग्लिश में, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ एक्सप्रेशन यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ यूज करते हैं सुम बाइशफी, तो वहाँ पर ये फिक्स जाता है, फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे मैं बोलना चाहती हूँ तो सुम एस्टन माल, या हम मैं ये बोलना चाहती हूँ एट द एंड तो सुम स्लुश, ये मतलब ये वो इडियम्स की तरह है, ये एक्सप्रेशन है, तो ये यूज होता है डायरेक्टली। देन आपका यूज होता है इसका, सू का एक और यूज है, जैसे हम बोलना चाहते हैं मैं बोलना चाहूंगी एक एग्जाम्पल, जैसे सुम गेबुस्टा बर्थडे के लिए, तो फॉर बर्थडे, जैसे ऑन योर बर्थडे, जैसे इश ग्रैटुलियर डियर, डियर सुम गेबुस्टा, मतलब कोई फेस्टिवल है या कुछ भी है तो हम सुम गेबुस्टा, यानी कि ऑन योर बर्थडे, राइट। यहाँ ऑन आ गया, इस तरह से हमारा ये यूज होता है, तो ये सुम हो गया ऑन योर बर्थडे, ऑन एट द इज ग्रैटुलियर डियर सुम के पुस्टा, मतलब मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ बर्थडे के लिए, या ऑन योर बर्थडे, बर्थडे पर, ये सुम यूज होता है, यानी कोई भी फेस्टिवल हो गया या कुछ भी हो गया तो हम सू यूज करेंगे, के पुस्टा का आर्टिकल, टाप का आर्टिकल देर होता है, देर देर में कन्वर्ट हो गया इसलिए सुम आया, तो यही सब इसके यूजेस हैं जहाँ पर ये यूज होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स पूछूंगी या एग्जाम्पल दूंगी, आप मुझे आंसर करना कि क्या आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला टीना गेट डैश राहुल, तो क्या आएगा, टीना गेट डैश फूस, तो क्या आएगा, देन राहुल ब्लाइट डैश हाउसर, तो क्यों, ये तो पता है कि सू आएगा पर क्यों आएगा, ये रीजंस बताने। नेक्स्ट इश एस पोस्ट डैश ब्रेकफास्ट, वैसे यहां पर इन वाली सेंस बन रही है, प्रीस्ट मतलब इन ब्रेकफास्ट, तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें आएगा, बट आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों आएगा, और आप बोल सकते हो एंड सिक्स इन सब का आंसर देना है आपको, और क्यों आएगा मुझे ये बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये सू का यूज समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं मिड की वीडियो बनाऊंगी, और भी जितनी डार्टिव प्रेपोजिशन है, देन मैं अकुजेटिव यूज करूंगी, देन मैं वेक्सल, अब मैं एक्चुअली प्रेपोजिशन सबको धीरे धीरे और थोड़ा तोड़ तोड़ के मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि मैंने जो प्रेपोजिशन की वीडियो डाली हुई है उसमें एक साथ सारी प्रेपोजिशन डाली हुई है, जिससे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक एक प्रेपोजिशन उठाऊंगी और उनको एक्सप्लेन करूंगी, उनके एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी कि ये एग्जाम्पल्स है और कहाँ का इनका यूज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं रेगुलर वीडियोज डालूँ, एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो एक वीडियो आनी ही चाहिए, क्योंकि आई वॉज बिजी, सो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं रेगुलर वीडियोज डाल पाऊँ, बट अब मैं वंस इन अ वीक डेफिनेटली एक वीडियो डालूंगी। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है तो, एंड टेलीग्राम, अगर कोई टेलीग्राम यूज़ कर रहा है तो टेलीग्राम ऐप पर मैंने अपना चैनल बना दिया लर्न जर्मन विद मोनिका, तो आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर
इमेजेस डालूंगी, फोटोज डालूंगी, कुछ वीडियो कंटेंट डालूंगी, एक्सरसाइजेस डालूंगी। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो वहां से भी जुड़ सकते हैं, और साथ में मैं एक इंस्टा का अकाउंट भी बनाऊंगी, सो यू कैन जॉइन मी देयर ऑल्सो। ओके, यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू।